करनाल के सेक्टर 13 की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी देना चाहेंगे कि करनाल के ही रहने वाले एक व्यक्ति पर जो है गोलियां चल जाती हैं। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये जो फ़ोन स्क्रीन पर आप एक शख्स को देख रहे हैं, इन्हीं का ही फ़ोन आता है और इन्होंने ही जानकारी दी है कि गोलियां चली हैं। पूरा क्या वाक्य है, बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। इससे पहले भी अगर हम करनाल जिले की बात करें, करनाल जिले में इससे पहले भी गोलियां चलने की जो वारदातें हैं वो लगातार देखी जा रही हैं और आज फिर दोबारा से इस शख्स का फ़ोन आता है और साफ तौर पर इनका कहना है कि साहब लेन देन का मामला था और जिसके चलते जो है जो दूसरा पक्ष है वो गोलियां चला देता है। क्या कोई इसमें कोई जख्मी हुआ है, बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बात हुई थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन सिंह जी। तो क्या नाम है, इसका भाई का फ़ोन आया था, सुनू संदीप पहलवान का, संदीप पहलवान का फ़ोन आया था। क्या कहा गगन, मैंने कहा जी मैं तो यहाँ पे मच्छी मार्केट, कह रहा मिलना था आपसे, मैंने मिल लेता हूँ, कब लोग का आना है। तो मैं मिलने गया उसको, ये 152 नंबर पे मिला नहीं, 152 नंबर बुलाया था, ये मिला नहीं, कहता 5 मिनट बैठ जाए मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा भैया यहाँ नहीं मिलता, नीचे मिलना है मुझे, आप भाई ऊपर नहीं मिलता, नीचे मिलना। कह रहा कोई बात नहीं, तू बैठ तो सही, मैं आ लगा। मैंने कहा आधे घंटे बाद फ़ोन आया इसका दोबारा, फिर कह रहा मुझसे भाई कहाँ भाई कहाँ मिलना, मैं मिलने चला 155 नंबर पर, अब 155 नीचे नंबर खड़ा गया तो मिला मुझसे ये। तो मुझे अपने, मैंने कहा भैया मिल लो गड्डी, भाई गड्डी नंबर, भाई गड्डी पे आया, क्या गड्डी में बैठ। मैंने कहा भाई बात कर लो मैं से, भाई हमें बात ही करनी है। तो गड्डी में उठा के ना मैं से कहता, चल अभी उसने गड्डी चला ली, मैं कहा लेके जा दो, क्या अभी अभी आ रही है वापसी। इसने मुझे बल्ली बाईपास ले गया, वहाँ ने हाथापाई की मैं से बहुत मारा मुझे, और अपनी पिस्टल से बंदूक से मुझे कन्वर्टी पे भी रखा, मुँह पे भी रखा, मुँह खोल अपना, मुँह खोल के कहता मुँह खोल, मुँह में पाता हूँ गोली, ये बात थी। और कहना मतलब ने एक लॉन्ग फायर भी किया मैं इस साइड में। अच्छा गोली भी चलाई है, क्या गोली चली है? तो मामला जो है लेन देन का था, कितना पैसा दे लगी नहीं, मुझे लगी नहीं है, यहाँ साइड में चलाई है ना, यहाँ पे कितने फायर चलाए? एक चलाया जी, एक फायर। हाँ क्या बात है, कितना देना था आपने? मैंने 1,00,000 देना था, फिर मैंने इसको उतवा दिए पैसे, किसी बंदे को मैंने फ़ोन कराया, मैंने उतवा दिए ऐसे ऐसे, भाई किसी बंदे को फ़ोन किया मैंने, मैंने कहा इन्हें होट लिए, क्या तेरी किस्मत अच्छी है तू बच गया आज बस। कितना कितना पैसा कब लिया था आप? 3 महीने पहले लिया था मैंने। 3 महीने पहले, तो कितना ब्याज की पे लिया था? ना ब्याज दे रहा उसको मैं, ब्याज दे रहे थे। हाँ दे रहे थे। तो उसके बाद भी उठा कर ले गए? बस उठा के ले, मैंने कोई बात भी नहीं की थी। तो कहाँ से उठा कर ले गए थे? मुगल कनाल से, एक्टिवा वहाँ खड़ी करवा के मेरी, मैं लेके चला गया। मुगल कनाल से उठा के ले गए थे, किस जगह ले गए थे? ये मुझे ले गया बल्ली बाईपास से, जहाँ शमशान है सोना का, जहाँ संस्कार होता है उससे पहले हाईवे पे। तो अब क्या क्या मामला है, कैसे मतलब आप क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ पता लगना चाहिए, जैसे गोले चलाते हैं इनकी इतनी हिम्मत होगी, जैसी मेरे पे बिना मतलब गोली चलाई है, बिना मतलब दिया गया है, इनको पता लगना चाहिए। मैं सबसे सुनने में आई पुलिस वाला भी है, पता लगना चाहिए भाई। तो पुलिस वाला कौन है इसकी? जो ये मेरे सबसे गोली है, जो सुनने में आ रही है, उसका नाम क्या है? संदीप पहलवान, इसका नाम सुनने में आ रहा है, पुलिस वाला है, मुझे नहीं, मुझे नहीं पता ये पुलिस वाला है या नहीं है, मुझे सुनने में आ रहा है पुलिस वाला है। चलिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, देखिए लेनदारी देनदारी कितनी की थी आपकी दोनों में? पुलिस चौकी सेक्टर 13 आपकी कितनी लेनदारी थी? मैं एक पेटी की थी, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए जाता है और अपहरण कर उस चीज को लेकर बड़ी बाईपास पर ले, मैंने सिर्फ लेके ब्याज पे लेकर था जी, मैं तो गोली चलाई ब्याज पे लिया था। तो फिर झगड़ा किस बात को लेकर? मैं से बात में क्या, मैं पैसे लाए एकदम मामले के चलते, मैंने कहा भाई क्या होगा एक दिन में दे दूंगा, 2 दिन की मैंने टाइम मांगा, इन्हें मैंने सुनी नहीं, क्या अभी उठवा अभी मंगवा, कहना चाहते हैं अभी मंगवा अभी मंगवा, इन्हें क्या अभी मंगवा मेरे से पैसे, पैसा कितना बना लिया? 2,70,000 मैंने, इन्हें पहले 2 पेटी मंगाई फिर 2 सट्टे उठवाए मेरे से, ओके कर 2 सट्टे ओके। तो आपने पैसे लिए कब थे? मैंने 3 महीने लिए थे, ये होगी 22-23 को आसपास लिए थे, ये पता 3 महीने पहले लिए थे 22-23 को। तो फिर उसका डबल कैसे हो जाता? बस ये गुंडागर्दी रख लो आपके सामने ही है। लोग कितने थे और किस गाड़ी में ले गए? दो बंदे थे जी। एक बंदे ने मुझे मारा, मैं दूसरे बंदे ने मुझे मारा नहीं, एक ही मारा उसने बस हल्का सा लात मारी थी, ये बोल रहा तो वो उसने हल्का सा लात मारी थी, तो बस लात मारते जाती। तो किस गाड़ी में उठा कर ले गए? 8100 नंबर थी, ये नहीं पता कौन सी, ब्रेजा के टाइप का पिन थी, ब्रेजा टाइप थी, 8100 नंबर। तो आप हमें ये भी जानकारी दें, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है इस विषय में? पुलिस ने जी जहाँ सिटी थाने में कल किया था, की पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कल पहले मुझे पुलिस ने बुलाया, इसको बुलाया, कहते आपस में तुम्हारी निपटी हो तो निपटा लो, फिर कहता 10 मिनट का टाइम आपके पास जी, फिर भी मैं करके बोला, ये कहता मैं 6 महीने में वापसी आ जाऊँगा,
पे देख लूंगा तुझे। अच्छा, इन्हें बात भी बोल दी। कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी होगी आपकी, होगी गिरफ्तारी। किसकी गिरफ्तारी हुई? इसकी पहलवान की, संदीप पहलवान की। संदीप पहलवान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन है। तो ये आप देख सकते हैं गगन है, और किस प्रकार से इन्हीं के ऊपर, जी हाँ, गगन के ऊपर जो है हमला होता है। जितने भी लोग इस हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर लीजिएगा। ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, करनाल सेक्टर 13 की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पुलिस से भी बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमला है क्या नहीं है, मैं क्या बताऊं बताओ। अच्छा जी, मेरे को पता नहीं किसी चीज का, भाई क्या नाम है? गिरफ्तारी हुई है जी, मेरे एक ही बात कर रहे जी, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इस केस के बारे में, मैं क्या बताऊं आपको, ये बताओ। राजवीर जी, आप आखिर इस चौकी के अंदर हैं और इतना बड़ा मामला है, गोली चलती है, अपहरण होता है लड़के का, उठा कर ले जाते हैं दूसरी जगह पर, उसके बाद भी आपको चौकी में रहने के बावजूद इस बारे में मालूम नहीं? मेरे को कोई नॉलेज नहीं इस केस के बारे में, क्या कुछ है क्या नहीं है। जो आइए इंचार्ज साहब के पास केस है, उसके उनसे जो भी बात करनी है अपना, उनसे बात कर लेना। कहाँ गए हैं इंचार्ज? कोर्ट में गए हैं, और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, एक को गिरफ्तार भी किया है जी। बाकी जो भी है आईओ साहब, खुद इंचार्ज साहब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी होंगे इंचार्ज साहब ही बता देंगे। गिरफ्तारी हुई है, क्या नाम है जी? उनका नाम है जी संदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? वह जींद के हैं जी। क्या काम करते हैं जी? ये अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ जी, क्या काम करते हैं, फाइनेंस फाइनेंस का क्या करते हैं, इसके बारे में भी सब। तो आईओ साहब जानकारी मिली है? हमारे पास तो जी फोन आया था रात को कि ये कंप्लेंट आई थी, तो मुदई ने कंप्लेंट दी, तो और मौके पे जाके इंचार्ज साहब खुद गए थे, और उन्होंने उनको जाके मौके पे एफआईआर दर्ज करवाई जी। और उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई बनती आगे इंचार्ज साहब। कोई खाली खोल भी बरामद की है सर? कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, असला उछला कुछ नहीं हमारे पास। गाड़ी भी 8100 नंबर की गाड़ी भी बताई जा रही है सर? अभी तक गाड़ी कोई बरामद नहीं हुई है, न असला नहीं हुआ है, जो भी है इसके बारे में इंचार्ज साहब ही खुद बता सकते। तो ये जो का कन्फर्म नहीं हो पाया, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके बारे में, जो भी जैसे जानकारी मिलेगी आपको आगे सूचित कर दिया जाएगा जी। धन्यवाद। देखिए किस तरीके से, हालांकि आपको बता दें दोस्तों, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से करनाल सेक्टर 13 में काफी लोगों की यहां पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हरियाणा के करनाल जिले की, जी हां हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं, और किस प्रकार से दिन दिहाड़े जो है गोलियां चल जाती हैं। नाम का युवक है जो कि, सर आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जिन्होंने नजायज करी है लेन देन के मामले में, ऐसे नहीं है किडनैप करके बच्चे को तुम ले जाओगे और वहां पर मारोगे और फिर गोली टंगोगे, फिर उसके पहले खेल खेलेंगे, और उसे बहुत बुरी करी है, नजायज करी है बहुत ज्यादा, और वो भी हल्ला नहीं होता तो बच्चे को रात ही मार देता। और ये तो प्रशासन ने रात, अच्छा पुलिस प्रशासन था जिसने कार्रवाई रातों रात अच्छी कर दी है, बहुत अच्छा प्रशासन, मैं प्रशासन की बात करूंगा, बहुत अच्छा प्रशासन था। हाँ। और उसने अपनी गड्डी बदल के आया, गड्डी जिस गड्डी में किडनैप करके ले गया था वो गड्डी बरामद होनी चाहिए, और वो जो बंदूक थी वो बरामद होनी चाहिए, ये लाइसेंस दिया और 2 नंबर ही थी। तो गगन की क्या संदीप के साथ पहले कोई जानकारी थी सर? संदीप के साथ जानकारी थी पहले? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि फिर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी है अच्छी करी है, मैं प्रशासन को कोई वो नहीं देना चाहता। संदीप के साथ कोई जानकारी थी पहले? भाई वो उसके साथ थी होगी, मैं इस बारे में मुझे 3 महीने पहले से, 3 महीने पहले का लेन देन था, 3 महीने का उसका लेन देन था, पहले भी कोई था, कोई दोस्ती थी या कुछ इस प्रकार? दोस्ती थी या नहीं थी मैं इस बारे में नहीं। आपका क्या संबंध है गगन के साथ? मेरा बेटा है जी गगन, और इतनी, हाँ मैं गगन के पिता हूँ, मुझे भी आज जब कोई लेन देन थी, कोई बात थी, मेरे से आगे बात करते, मेरे से बातचीत करते। बिल्कुल है, तुमने इतना मोटा मीटर घुमा दिया पेटी का, पहले तो तुम ब्याज खाते रहे रोज का, फिर तुमने उसके 2.70 बना दिए, फिर तुमने हवाला भी ले लिया, कह दिया तो तेरी तो किस्मत अच्छी है, नहीं तो तेरे को ये मार देते वहाँ सुनसान घाट के पास, ले आके वहाँ पर मारा, जो इतना मारा है उसे मुँह देख लो, मैंने तो कह दिया था इसे, ये तो बेवकूफ रहा, जहाँ साले मर जाता है साले को मार देता, ऐसे को तो यार मार मर गया इतना घर पे, मैं तो सर कर लगता यार साले को मार देता, ऐसे ऐसे के साथ तो ऐसा होना चाहिए। गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो अच्छी कर दिया प्रशासन ने। क्या नाम है आपका सर? मेरा राकेश कुमार। क्या काम करते हैं सर? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है जी। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी का इनका काम है, और किस प्रकार से इनके बेटे पर हमला हो जाता है, और गुस्सा भी जायज है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले के सेक्टर 13 चौकी से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किस प्रकार से
इन्हीं सही ना। तो किस प्रकार से गोली चलने की बात जो है वो सामने आई है, तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गगन से दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम क्या उसका? संदीप पहलवान। संदीप पहलवान, आप उसे कहाँ मिले थे? मामला क्या था? क्यों चलाई उन्होंने गोली? गोली चलाई तो मैंने उसको एक लाख रुपये देखा था। एक लाख रुपये आपने? मेरा फोन आया उसका ऐसे से, भाई क्या है भाई गगन, मैंने कहा भैया यहाँ पे हूँ मैं, तुम क्या मिलना था? मैंने कहा यार तुम एक बार मिलने गया, मिला नहीं मुझे, दूसरी बार मिलने गया, उन्होंने गड्डी में उठा के मुझे बल्ली बाईपास ले गया, जब शमशान से पहले शमशान है बल्ली बाईपास पे, जब कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट थे वो पोस्ट वो संस्कार होते थे उनके आगे, मुझे उससे पहले उन्होंने मुझे हट्टा पाई। तो आपने पैसे लेकर वापस नहीं दिए थे? ब्याज देता था उसको मैं एकदम, उसने क्या इस बंदे का पता निकाल, एक बंदा था इसने किसने पैसे उसने भी लेके था, ये बंदे का पता निकाल। मैं कहा भैया मुझे पता नहीं कहा है वो। गगन तीन महीने पहले आपने पैसा लिया था और वो बोल रहे हैं कि दो लाख से ज़्यादा का अमाउंट हो जाता है, ये कैसे संभव है? भैया जी एक लाख किस सोने लिए थे वो भी क्या टू आउट दो लाख सत्तर था आउट। अच्छा हाँ नाम बताया जा रहा है मुझे गाड़ी में, मैंने एक लाख लिए थे भैया, दूसरे एक लाख लिए थे, दो पहले दो पेटी तो आई फिर दो सत्तर तो आई नहीं मुझसे। तो आपने आपने फिर कितने पैसे लुटाने की बात कही उनको? आपने कितने पैसे लुटाने की बात? दो लाख सत्तर हजार के, मैं इतना डर गया था वहाँ पे इसलिए क्या बोलूँ। अच्छा तो आपने बोल दिया कि आप पैसे ले सकते हैं? मैं बताया कि इतना गया था, मैं गोली चली गई मेरे पे, आप खुद समझा कि इसमें गोली चलती है उसको पता लगता है, जिससे बिटती है उसको पता लगता है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं गगन जो है काफी घबराया भी जरूर हुआ है, क्योंकि इस प्रकार से जब हमला होता है तो क्या बीतती है वो बंदा ही जानता है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं करनाल सेक्टर 13 की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। और वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो करनाल जिला पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञानता से और गहनता से जरूर विचार करता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं, करनाल के सेक्टर 13 की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर गगन नाम बताया जा रहा है जिसके ऊपर गोली चला दी जाती है। लेन देन का ये मामला उभर कर सामने आया है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपडेट आपको देते रहेगा करनाल 24।